रीवा में पुलिसकर्मियों को खटारा वाहनों में गश्त करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पुलिस विभाग के पास वर्तमान में 223 वाहन हैं, जिनमें से 166 वाहन डी ऑन रोड है। बाकी के बचे कबाड़ वाहनों के भरोसे ही पुलिस जवान कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस विभाग को जो वाहन दिए जाते हैं उनकी म्याद किलोमीटर के हिसाब से तय होती है। बाइक 1 लाख किलोमीटर और हैवी वाहन 2.5 लाख किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ सकते हैं। इसके बाद इन वाहनों को कंडम घोषित कर दिया जाता है और इसे हटा दिया जाता है। फिलहाल विभाग की ओर से नए वाहनों के लिए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा है, जिसमें जल्द ही वाहनों के आवंटन की उम्मीद जताई जा रही है। तो देख सकते हैं आप कि खटारा वाहनों का ही इस्तेमाल यहां पर लगातार किया जा रहा है और किसी भी वक्त इन वाहनों से हादसा हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होता। और नए वाहनों के लिए हालांकि प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन तब तक इन्हीं खटारा वाहनों के सहारे गश्त करने को मजबूर है पुलिस वाले। ये क्या है इसमें ना, इसकी बात ये है कि हमारे यहाँ से ये जो इंजन होता है, जितना इसके माइलेज पे डिपेंड करता है कि इसका माइलेज कितना है, उस माइलेज के अनुसार जो है वो ऑफ रोड होता है। अलग अलग गाड़ियों का, मोटर व्हीकल्स का, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका अलग होता है, और जो मिडिल वाहन होते हैं LMBs और उनका अलग होता है, और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनका उनकी मियाद अलग होती है। तो जिस जिस तरह से जो पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं उनको ऑफ रूट करने के लिए यहाँ से लिखा जाता है, और उसके बाद जब अनुमति प्राप्त होती है तब उसमें ऑफ रूट होते हैं।